हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस फॉर एसएससी में। देखिए, आज का ये जो करंट अफेयर देख रहे हैं आप, ये 11 जुलाई 2018 का करंट अफेयर क्विज है, ठीक है, जो कि पिछले दिनों किए गए करंट अफेयर पर आधारित है और इसमें कुछ नए सवाल भी ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप आंसर दीजिएगा। पहला देखिए, तुर्की में फिर आर्टिस्टिक जिमनास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप 2018 में वोल्ट इवेंट में किस भारतीय जिमनास्ट ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर है दीपा कर्माकर। कल भी मैंने बताया था, अगर आपको देखना है तो कल की वीडियो को देख लीजिएगा। कौन सा देश 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वैंकूवर कनाडा है, ठीक है। कनाडा जो है वो 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन 2018 का मेजबानी कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुंडाक्कल मैथ्यू जैकब, जो हाल ही में निधन हो गया है, किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हाल ही में कस्तूरी रंगन समिति की अवधि भारत सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है, किस उद्देश्य के लिए समिति गठित की गई थी? तो आंसर है नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, 2018 अंतर्राष्ट्रीय दिवस सहकारी समिति का विषय क्या है? आंसर है सहयोग के माध्यम से सतत समाज। जीतने की तरह सौरव थिंक एंड सक्सेस लाइव गांगुली लाइक गांगुली सॉरी जीतने की तरह सौरव थिंक एंड सक्सेस लाइक गांगुली किताब किसने लिखी है? अभिषेक भट्टाचार्य ने। किस उपन्यास ने 2018 का गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार जीता है? आंसर है अंग्रेजी रोगी। आयरन मैन ट्राइथलोन को पूरा करने वाली सबसे पुरानी भारतीय महिला कौन बन गई है? अंदला बेहर जो आयरन मैन ट्राइथलोन को पूरा करने वाली सबसे पुरानी भारतीय महिला बन गई है। ताशकंद में 2018 IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? आंसर है जिली दला बेहरा। कौन सा देश द्विवार्षिक विश्व शहर शिखर सम्मेलन के 6वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? आंसर होगा सिंगापुर। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।